फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा एक बार फिर सफेद हाथी साबित होता दिखाई दिया। जी हां, फरीदाबाद में शनिवार की रात एक नहीं बल्कि दो गैंग रेप हुए, जिस वक्त एक युवती को चार दरिंदे स्कॉर्पियो गाड़ी में अपहरण कर उसके साथ दो घंटे तक हैवानियत की हदें पार करते रहे। उसी वक्त एक और 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ यही गंदा खेल खेला जा रहा था। दूसरा मामला ग्रेटर फरीदाबाद का है, जहां एक नाबालिग को ऑटो से अपहरण कर रात भर कमरे में बंधक बनाकर चाकू की नोक पर युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस दूसरे आरोपी को पकड़ने में नाकाम है। कैमरे पर अपनी आप बीती बयान करती दिखाई दे रही यह वही नाबालिग लड़की है, जिसके साथ दो युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक वह किसी काम से अपने पिता के पास उनकी कंपनी में मिलने गई थी, और जब वह वापस लौट रही थी तभी एक ऑटो सवार युवक ने उसे उसके घर तक छोड़ने की बात कही और अपने एक साथी को फोन कर बुला लिया, लेकिन आरोपियों ने उसे ऑटो से उतरने नहीं दिया और उसका अपहरण कर उसे ग्रेटर फरीदाबाद में एक कमरे में ले गए और चाकू की नोक पर दोनों ने रात भर उसके साथ बारी बारी से हैवानियत का खेल खेला। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने घटना को अंजाम देने से पहले शराब पी और कोई दवाई भी खाई और उसे भी शराब पीने और दवाई खाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना किया और उसने खुद को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए पूरी रात दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के पिता के मुताबिक आरोपी अगले दिन दोपहर में उनकी बेटी को लेकर आ रहे थे कि उन्होंने उन्हें देख लिया और दौड़कर उस आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने आरोपी बिन कार्यवाही के छोड़ दिए। वहीं इस मामले में एसीपी पूजा डावला का कहना है कि उन्होंने नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक ही रात में हुई दो अपहरण और गैंगरेप की घटना के बाद पूरा हरियाणा शर्मसार है और जिले के लोग दहशत में है, लेकिन सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों को बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। जब महिला थाना एसीपी पूजा डाबला से सवाल किया गया कि क्या नाबालिग को किसी हथियार के बल पर बंधक बनाकर रखा गया था, तो पूजा डाबला ने बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि वह घटना के समय मौके पर नहीं थी। पहले आया दुकान पर, आया तो मैं आरती मम्मी पापा के पास से तो बोला, मैं बोला भैया छोड़ देना, छोरा नहीं लेके चलेगा खेरीपुल, खेरीपुल में कमरे में रखा दारू पिया, एक गोली खाया दोनों एक एक, फिर मुझे भी बोला तू भी खा, मैं बोला मैं नहीं खाऊँ, तो बोला मारूंगी तुझे ऐसे वैसे, पैसे तो छीन लिए, गलत गलत काम करे रात भर, फिर लेके जा रहे थे वहीं पर कमरे पर, वहीं छोड़ दिया, फिर ले जा रहा नहीं ले जा रहा था, फिर कहाँ ले गए पहले तुम्हें? हैं कहाँ पर ले गए? खेरीपुल, खेरीपुल। अच्छा, रात में कहाँ रखा फिर? कमरे उधर है, मोबाइल के उधर। मामला ये है कि वो अपने घर वापस आ रही थी, अपने माँ बाप के पास शायद वो फैक्ट्री गई थी, वहाँ से वो घर की तरफ आ रही थी, तो जो एक लड़का है उसका जानकार वो उसको मिला है, उसने अपने फ़ोन करके कोई ऑटो चलाता है उसका दोस्त उसी लड़के का, उसने उसको बुलाया है और फिर वो उसको बिठा के कहीं मवई की तरफ लेके गए हैं, वहाँ एक कमरे में रखा है, और फिर सुबह जो है वो उस लड़की को जब छोड़ने आ रहे थे तो वो उसने शोर मचा दिया, तो माँ बाप ने को देख के उसने शोर मचा लिया, माँ बाप भी उसके ढूंढने निकले हुए थे, तो इस तरह से वो मिल गए, एक लड़का जिसमें हम गिरफ्तार कर चुके हैं।